नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। गुजरात में सियासी सरगर्मियां तेज, आप सीएम उम्मीदवार का करेंगे ऐलान, राहुल भी कर सकते हैं चुनावी राज्य का दौरा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रवासी मजदूरों पर हमला, स्कूल में काम कर रहे थे मजदूरों पर आतंकियों ने गोली चलाई, हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के बैतूल में भीषण सड़क हादसा, बस कार की टक्कर में 11 की मौत। केसीआर ने पार्टी एमएलए को रिश्वत देने के मामले में पेश किया वीडियो, बीजेपी पर लगाया आरोप। केरल में सीएम गवर्नर आमने सामने, राज्यपाल आरिफ बोले स्मगलिंग करने वाले को सीएम मोदी राय संरक्षण। अमेरिका नगर में डेंगू का प्रकोप जारी, जिले में डेंगू के मरीज 173 के पार, सरकारी आंकड़ा। रामनगरी अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा का हुआ शुभारंभ, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता सहित संत महंतों ने शुरू की पंचकोशी परिक्रमा। चंदौली में तालाब में मिला अज्ञात युवा का शव, सूचना के बाद पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में अज्ञात लोगों पर किशोर बंधक बनाकर रखने का लगा आरोप, चंगू से छूटने के बाद किशोर ने बताई आप बीती। राजधानी में दबंगों ने पैथोलॉजी सेंटर में घुसकर संचालक को पीटा, संचालक की पिटाई कर इस लाइटर मशीन साथ ले गए बदमाश। इजराइल चुनाव में बेंजामिन की जीत, पीएम मोदी बोले दोस्त को बधाई, भारत के साथ जल्द हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इमरान के हमलावर का कबूलनामा, कहा खान को माने आया था, अजान के वक्त डीजे बजाते अफसोस बच गया। रूस के डर्टी बम के दावे निकले फर्जी, यूएन की न्यूक्लियर एजेंसी को यूक्रेन में नहीं मिले कोई सबूत। चीन ने धरतीवासियों को फिर डाला खतरे में, अंतरिक्ष से जमीन पर गिरेगा 25 टन वजनी रॉकेट मलबा। हमले के बाद बोले इमरान खान, अल्लाह ने दूसरा जीवन दिया, वो मुझे मानना चाहते हैं, लड़ाई जारी रहेगी। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 33 रन से हराए, सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद अभी भी कायम, शादाब का ऑलराउंड परफॉर्मेंस। करो या मरो मैच से पहले चोट पर बोले फिच, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा यदि मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं नहीं खेलूंगा। बाबर आजम की फिर से फूटी किस्मत, रबाडा ने कमाल का कैच लेकर मचाई सनसनी। इमरान खान पर हमले के बावजूद आयरलैंड ने रद्द नहीं किया पाकिस्तान दौरा, आज खेला जाएगा वनडे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए संजू सैमसन ने शुरू की तैयारी, मैदान पर जमकर बहाए पसीना। फोन बूथ में साथ दिखेंगे ईशान खट्टर, सिद्धांत चतुर्वेदी बोले शूटिंग शुरू होने से पहले ही टूट गया था डायरेक्टर का पैर। सत्ताईस साल बाद सिनेमा हॉल में दोबारा लगेगी डीडीएलजे, फैंस ने लुटाया प्यार, फिल्म ने एक दिन में किया 23 लाख का कलेक्शन। बैड एस रवि कुमार का टीजर रिलीज, रवि कुमार बनकर वापस लौटे हिमेश रेशमिया, एक्शन और एंटरटेनमेंट से भरपूर होगी फिल्म। प्रियंका की फिल्म लव अगेन का फर्स्ट लुक आउट, सैम यूगन के साथ दिखेगी केमिस्ट्री, फरवरी की जगह अब 12 मई को रिलीज होगी ये फिल्म।
अवतार द वे ऑफ वाटर का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में दिखी पेंडोरा की सुंदर दुनिया। 16 दिसंबर को रिलीज होगी ये फिल्म। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।